नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? होप सो कि आप सब ठीक हो। तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक हमारे ये है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। हम कंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन और उसके एप्लीकेशन इन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फिर बिना वक्त ज़ाया किए चलिए अब हम वीडियो देखते हैं। तो फिर दोस्तों, हम शुरुआत कंडक्टिंग मटेरियल्स के डेफिनेशन से करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच ऑफर वेरी लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। कंडक्टिंग मटेरियल वो होते हैं जो उनके अंदर से करंट फ्लो होते समय बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते, इसलिए वो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मटेरियल। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर सेट इनटू मोशन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। दिस कॉज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल। सच करंट कैरिंग मटेरियल्स आर नोन एज कंडक्टिंग मटेरियल्स। आप तो जानते होंगे कि एक मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में होता है उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ पेयरिंग नहीं करता। तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट फ्लो होने के बाद उसे कैरी करके मोशन में आ जाता है और उसकी वजह से करंट फ्लो होता है एक मटेरियल में। तो फिर वैसे मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। और उसके एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तो फिर हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कंडक्टिंग मटेरियल की। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें का फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। लेसर द रेजिस्टिविटी, लेसर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू अपोज द करंट। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज लेसर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होती है और इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कम होता है उस मटेरियल का। फिर करंट को अपोज करना भी कम हो जाता है और इसकी वजह से करंट अच्छे से फ्लो होता है। दूसरा पॉइंट है कंडक्टिविटी। ये आपको बता ही दिया है कि कंडक्टिंग मटेरियल हैव गुड कंडक्टिविटी एंड कैन पास करंट्स ईजिली। सेकेंड पॉइंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें का फर्स्ट पॉइंट है दी टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी हायर फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसका बियरिंग कैपेसिटी, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए प्रेशर के अंदर, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है डक्टाइल एंड मेलेबल। वो डक्टाइल मतलब ये होता है कि हम उसे एक वायर के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है। और मेलेबल मतलब उसका शेप हम उसे गर्म करके या फिर उसे प्रेशर के अंदर लाके उसे शेप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब है मेलेबल। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि एटमॉस्फेयर शुड नॉट अफेक्ट द कंडक्टर सच एज रस्टिंग, कोरोडिंग एक्सेट्रा। सो मटेरियल मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। अपना जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको रेजिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए ताकि वो उसको रस्ट ना हो और कोरोड भी ना हो वो एटमोस्फियर से। फोर्थ पॉइंट है इजी सोल्डरेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इजीली सोल्डर भी करते आना चाहिए और वेल्डिंग भी करता आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेटिंग मस्ट बी इजी। उसका मैन्युफैक्चरिंग भी इजी होना चाहिए। और सबसे आखिर और मेन वाली बात यह है कि कॉस्ट मस्ट बी लेस और मीडियम। देखिए दोस्तों, अगर कंडक्टर की कॉस्ट कम नहीं होगी तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। देखा जाए तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन हम उसे घर की वायर में यूज़ नहीं कर सकते एज अ कंडक्टर। सो हम क्या प्रेफर करते हैं? कॉपर। उसका कॉस्ट भी लेस होना बहुत ज़रूरी है। सेवन पॉइंट है मटेरियल शुड बी ड्यूरेबल। सेम, वो कोरोजन से कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसे। थर्ड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। इट शुड बी एज पॉसिबल एज नॉट टू बी अफेक्टेड बाई द मॉइस्चर एंड केमिकल्स। वो केमिकल और मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर दोस्तों, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल्स। फर्स्ट है हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। इसके नाम से आपको पता चलता है कि इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी और रेजिस्टिविटी लो होगी। हाइस्ट पॉसिबल कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी हाइस्ट होती है। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये किसी भी प्रेशर के अंडर जल्दी टूटता नहीं, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। गुड रोलेबिलिटी वायर ड्राइंग प्रॉपर्टी,
इसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होती है, उसे हम वायर के फॉर्म में जल्दी और इजीली बना सकते हैं। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन को ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। उसके एग्जांपल्स है कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील एक्सेट्रा। सेकंड है अपना हाई रेजिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी मटेरियल। हाई वैल्यू रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट मेल्टिंग। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। और इनकी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और डक्टिलिटी अच्छी होती है। इनके एग्जांपल है निक्रोम, टंगस्टन, मैंगनीज। टंगस्टन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बनाया जाता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड पॉइंट है अपना सोल्डर एंड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये सोल्डरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट सोल्डर्स। जो कम उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हम उसे सॉफ्ट सोल्डर्स कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 400 डिग्री सेल्सियस। और उसका सेकंड पार्ट है हार्ड सोल्डर्स, मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगर आपको सोल्डर मटेरियल्स पर एक अलग वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द कंडक्टर्स। देखिए दोस्तों, जैसे कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वैसे ही वो हीट को भी कंडक्ट कर सकता है, इसलिए वो उसके एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हैं। पहला देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायर्स, जनरेटर वाइंडिंग्स, स्टील एज अ कंडक्टर फॉर टेलीफोन लाइन्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स में कंडक्टर यूज़ होते हैं, जनरेटर जो होते हैं हमारे उसके अंदर भी एक वाइंडिंग होती है, उसके लिए भी कंडक्टिंग मटेरियल का ही यूज़ होता है। अगर जनरेटर भी पर भी एक वीडियो चाहिए होगी तो भी बता दीजिए। और टेलीफोन लाइन्स होती है उसके लिए स्टील ऐसा कंडक्टिंग वायर होती है। अपना जो थर्मोमीटर होता है जब आपको बुखार आता है उसे मेजर करने के लिए, उसमें भी एक कंडक्टर मटेरियल मर्क्यूरी को यूज़ किया जाता है, जिससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देख सकते हैं। थर्ड वन है हमारा एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू स्टोर फूड एज वेल एज इन द मेकिंग ऑफ फ्राई पैंस। जो हम फूड खाते हैं पैकिंग वाला, उसके लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बना रहे। ऐसी ऐसे ही बहुत सारी जगह कंडक्टर्स का यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।